हेलो एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन चैप्टर, जो कि एक एडवांस मैथ्स का पार्ट है। अब इस मेंसुरेशन चैप्टर की बात करें तो इसके अंदर दो पार्ट में चैप्टर डिवाइड होता है। एक हमारे पास है 2D वाला पार्ट और एक 3D वाला पार्ट। अब 2D के अंदर कवर होने वाले जो टॉपिक्स हैं वो ये हैं और 3D के अंदर ये वाले पार्ट कवर होंगे। तो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो 2D से कर रहे हैं। 2D के अंदर हम ट्रायंगल पढ़ेंगे। अब ट्रायंगल भी एक तरीके की नहीं होती, इसके अंदर अगर हम बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी है, स्केलन ट्रायंगल भी है, राइट एंगल, आइसोसेलेस, तो ट्रायंगल्स की तीन चार फॉर्म्स हैं इसके अंदर। हम शुरुआत कर रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल से। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती क्या है? एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें आपके सामने मान लो ये है कोई ट्रायंगल ABC, इसके तीनों साइड्स इक्वल है, जिसको मैंने नाम दिया स्मॉल ए, यानी कि तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, तो ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगी। बस इसमें खास पहचान इसकी यही है कि ऑल साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल 60 डिग्री। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपने इतनी बात ही पता होनी चाहिए कि इसकी ऑल साइड जो होती हैं वो तीनों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं और ईच एंगल जो है वो 60 डिग्री के होंगे, ठीक है? इतनी ही पहचान है। अब बात करते हैं इस पर कुछ जो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं वो क्या क्या। अगर हम देखें तो पहली बात आती है पेरीमीटर की, कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो सकता है। तो पेरीमीटर में आपको 3 × साइड, यानी कि आप कह सकते हैं 3A। अगर एरिया की बात करें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है √3/4 sin²। अगर हम बात करें लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड तो उसकी वैल्यू होती है √3/2a, ठीक है? तो ये कुछ बातें जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, इसमें अब ये जो तीन बातें हैं तो बेहद बेसिक हैं। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बातें और जो कि रिलेटेड है इन सर्कल और सर्कम सर्कल। आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC और एक सर्कल जो ये ग्रीन वाला है ये इस ट्रायंगल के अंदर है और एक ये ब्लू सर्कल है जो ट्रायंगल के बाहर है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे इन सर्कल, ये है इन सर्कल, और ये ब्लू वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे सर्कम सर्कल। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल अंदर है एक बाहर है। अब इस अंदर वाले सर्कल की बात करें तो इससे रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। बात करें तो इस अंदर वाले सर्कल का अपना एक रेडियस होगा। अब इस रेडियस की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ये जो रेडियस होता है जिसको आप इन रेडियस बोलते हैं, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है a/√3। ए यहाँ पे साइड है, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम बात करें जो ये सर्कल है जो सर्कम सर्कल है इसके रेडियस की बात करें तो ये इसका रेडियस है जिसको हम कैपिटल R बोलेंगे, ये है सर्कम रेडियस। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होगा a/√3। तो आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में इतनी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है? चलिए एक और इम्पोर्टेंट बात इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस पर भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है ABC, इसके अंदर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये मैंने तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, आप इनको नाम भी दे सकते हैं P1, P2, P3। अब ये जो P1, P2, P3 इसका साइड से क्या रिलेशन होता है?
तो आपको ये भी पता होना चाहिए, आप कह सकते हैं कि जो तीनों परपेंडिकुलर का सम होता है वो इक्वल टू √3/2a के इक्वल होगा। तो ये भी एक बेहद इंफॉर्मेशन है, ज़रूरी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में एटलीस्ट आपने इतना तो पता होना ही चाहिए, तो इसका पैरामीटर क्या है, उसका एरिया क्या है, लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड, इन रेडियस, सर्कम रेडियस, और ये एक परपेंडिकुलर जो इनसाइड पॉइंट से ही ड्रॉ किया जाता है साइड्स पे, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ तो वो डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन, तो ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर वन। तो आपने पढ़ लिया होगा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें साइड की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर और सिंपली पूछा हुआ है एरिया क्या होगा। तो आई होप अब तक तो कर चुके होंगे आप लोग। यानी कि 9√3 आप ऐसे लिखें या फिर लिख सकते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर, एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन था, एरिया फाइंड करना था। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास इसमें समझने जैसा है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में क्या करना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल वो हमें गिवन है 400√3। तो एरिया गिवन है 400√3। आप जानते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला कंपेयर करता हूँ एरिया से, तो √3 से √3 कैंसिल। इस 4 को अगर मैं दूसरी तरफ भेजता हूँ तो इनटू में 4, अब इसका रूट निकालना है। तो 400 का रूट आप फाइंड करेंगे तो 20 और 4 का रूट 2 यानी कि 40 मीटर्स, ये इसकी साइड आती है। अब क्वेश्चन ने पूछा था भाई इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो आप जानते हैं 3 × साइड यानी कि 3 × 40, तो ये आपका आंसर आएगा 120 मीटर्स। तो आपका ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आज ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही बेहद आसान है, कोई ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है इनमें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर थ्री पे, आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्लाइड्स बना रखी है मैंने। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर थ्री मेरे साथ साथ खुद भी ट्राई कर सकते हैं आप। अब इसने ये कहा है लेंथ ऑफ ईच मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 6√3। भाई लेंथ ऑफ ईच मीडियन, अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप जानते हैं मीडियन बोले अल्टीट्यूड बोले एक ही बात है, सेम ही होती है दोनों लाइन। तो लेंथ ऑफ अल्टीट्यूड और मीडियन की बात करें तो वो √3/2a के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू इन्होंने मेंशन कर रखी है 6√3। अब आपने फिर से पेरीमीटर ही निकालना, यानी कि आपको साइड तो पता होनी ही चाहिए। तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ तो a की वैल्यू यानी कि साइड की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ जाती है। अब यहाँ से मैं पेरीमीटर फाइंड कर सकता हूँ 3 × a, तो 36 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि बेहद आसान क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हो रही है वो समझने में। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ बताएंगे ज़रा। क्वेश्चन नंबर फोर, हाँ जी, तो इसकी अगर हम बात करें तो मीडियन की लेंथ गिवन है
ओ ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं, तो भाई आगे ही बढ़ते हैं फिर तो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है देखेंगे, एरिया गिवन है, तो एरिया का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल टू 9√3। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करके और ए की वैल्यू फाइंड करूँ तो आप कह सकते हैं 6, और इन्होंने मीडियन की लेंथ पूछी है, तो मीडियन की लेंथ आप जानते हैं क्या होती है, √3/2a, और ए की वैल्यू यहाँ पे है 6, यानी कि 3√3, ये हमारा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आप पढ़ेंगे और एक बार खुद से ट्राई करें जरा इसे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, इसने एक बात ये कही है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ हाइट और एरिया सेम है आपस में, तो ये कह रहा है लेंथ बतानी है, लेंथ ऑफ ईच साइड, यानी कि आपको साइड फाइंड करना है कि साइड की वैल्यू क्या होगी। अब हाइट और एरिया आपस में इक्वल, अब जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर हम बात करें तो हाइट की वैल्यू होती है √3/2a, और एरिया की बात करें तो √3/4 साइड स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करके सिंपली साइड फाइंड कर सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, a से a कैंसिल। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो a की वैल्यू आ जाती है 2, ये आपका आंसर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए पैरामीटर, यानी कि इस बार इन्होंने क्या गिवन दे रखा है, जो पैरीमीटर है वो इक्वल है √3 times ऑफ द एरिया। तो फिर साइड इसने पूछ ली, यानी कि पैरीमीटर इन्होंने गिवन दे रखा है √3 times ऑफ एरिया, तो साइड की वैल्यू क्या होगी। अब आप जानते हैं पैरीमीटर की वैल्यू की बात करें तो 3a = √3, एरिया की बात करें तो √3/4 साइड स्क्वायर। सॉल्व कर सकते हैं आप सिंपली, a से यहाँ की एक पावर कैंसिल, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो √3 multiply √3, यानी कि सिंपली 3/4a, 3 से ये 3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने तो a की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाती है 4। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ताकि आपका बेसिक पोर्शन इजीली अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो 8th में इन्होंने क्या गिवन दे रखा है, रेडियस, ये आप मेंशन कर लेंगे यहाँ पे, ये इन रेडियस है, तो इन्होंने इन रेडियस की वैल्यू गिवन दे रखी है √3, तो पेरीमीटर पूछा हुआ है। आप जानते हैं इन रेडियस, यानी कि जिसको हम सिंपल स्मॉल आर बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है a/2√3, और ये इन्होंने गिवन दे रखा है √3 के इक्वल। आप यहाँ से साइड फाइंड कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई
तो अब देख पा रहे हैं इसका आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे साइड फाइंड कर लिया 12 सेंटीमीटर। इन्होंने पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल इज इक्वल टू √3a। ए की वैल्यू है 12, यानी कि 36 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सॉरी एक ऑप्शन भी अपने ठीक करना पड़ेगा, डी वाला 36 है ये। तो ये 36 सेंटीमीटर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें क्या गिवन है, कह रहा है सर्कम रेडियस जो है वो है 8 सेंटीमीटर। तो इन्होंने पूछ रखा है भाई इन रेडियस क्या होगा, तो आप बता सकते हैं इन रेडियस क्या होगा। अगर हम बात करें फॉर्मूले की, एक बार आप जरा फॉर्मूले पे नज़र डालना। अगर हम बात करें सर्कम रेडियस की, तो वह ये होता है सर्कम रेडियस को कैपिटल आर से प्रेजेंट करना है, और स्मॉल आर यानी कि इन रेडियस की बात करूँ तो ए बाई 2√3 है। आप इन दोनों में एक बात समझ पा रहे हैं कि जो सर्कम रेडियस है और इन रेडियस है ये ऑलमोस्ट सेम है। अगर हम बात करें तो इन रेडियस के डिवाइड में 2 है, यानी कि जो इन रेडियस होता है वो हाफ ऑफ सर्कम रेडियस होता है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि अगर सर्कम रेडियस 8 है तो इन रेडियस की वैल्यू डायरेक्टली आप बता सकते हैं 4 सेंटीमीटर। रीज़न मैंने इसके पीछे क्या रीज़न है वो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, अगर आपने सिंपली कॉन्सेप्ट पता था कि रिलेशन क्या है सर्कम रेडियस और इन रेडियस के बीच में, तो आप डायरेक्टली जवाब दे सकते थे। चले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3π। तो पेरीमीटर क्या होगा, सर्कम सर्कल का एरिया दे रखा है, यानी कि अगर ये ट्रायंगल है और ये इसका सर्कम सर्कल है, तो इन्होंने इस सर्कम सर्कल का एरिया दे रखा है, यानी कि एरिया ऑफ सर्कम सर्कल ये इन्होंने दे रखा है 3π के इक्वल, और पेरीमीटर हमसे पूछा गया है। तो आप जानते हैं सर्कल है, इन्होंने बात की है इस सर्कल की, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है क्या है, पाई और फिर रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू 3π। अब आप मुझे ये बता सकते हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में रेडियस की वैल्यू क्या होती है सर्कम रेडियस की, तो आप कह सकते हैं ए बाई √3 का स्क्वायर। आई होप कि इस रेडियस की वैल्यू समझ में आई होगी आपके, क्योंकि ये सर्कम सर्कल है यानी कि ट्रायंगल के बाहर का सर्कल है, तो इसका रेडियस फाइंड करने का तरीका होता है ए बाई √3। अब आपने सिंपली सोल्व करना है, तो अगर हम देखें तो पाई से तो पाई कैंसिल, ए स्क्वायर बाई अगर मैं स्क्वायर ओपन करता हूँ तो ये, और ए स्क्वायर इक्वल टू 9, तो ए के वैल्यू आप कह सकते हैं 3। अब इन्होंने पूछा था पेरीमीटर, तो पेरीमीटर की वैल्यू हो जाएगी 3 × a, यानी कि 9 सेंटीमीटर। क्लियर है ये सवाल? तो चलिए एक अच्छा सवाल था, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, परपेंडिकुलर्स आर ड्रोन बाय ए पॉइंट इनसाइड एन ट्रायंगल टू ईच साइड आर दिस।
भाई मान लो कि ये ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। अब इस पे इन्होंने क्या बोला है, एक अंदर पॉइंटेड ट्रायंगल के यहाँ से इन्होंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तीनों साइड्स पे, जिसकी इन्होंने लेंथ दे रखी है। तो पी वन इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, ये है पी वन। तो पी वन की लेंथ इन्होंने दे रखी है रूट थ्री, पी टू की लेंथ है टू रूट थ्री, पी थ्री की लेंथ इन्होंने दे रखी है फाइव रूट थ्री। तो पूछा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। पेरीमीटर फाइंड करना है तो भाई मुझे साइड तो चाहिए चाहिए। अब तीनों परपेंडिकुलर में आपस में रिलेशन क्या होता है और ये किसके इक्वल होता है, तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि भाई तीनों परपेंडिकुलर का जो सम होता है वो इसके इक्वल होता है। तो रूट थ्री बाई टू ए इक्वल टू, इन तीनों को प्लस करना है आपने, यानी कि आप इनको प्लस करते हो तो आप समझ पा रहे हैं कितनी वैल्यू आने वाली है, एट रूट थ्री। अगर आप इन तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ को आप प्लस कर देते हैं तो एट रूट थ्री, रूट थ्री से ये रूट थ्री कैंसिल, ए की वैल्यू आप कह सकते हैं 16। तो पेरीमीटर फाइंड करना तो बेहद आसान है, थ्री इंटू साइड यानी कि 48, ये इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो ये एक हमने परपेंडिकुलर बेस पहला क्वेश्चन देखा, हालांकि काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए आज तक, एसएससी ने काफ़ी क्वेश्चन इस पे पूछे हैं परपेंडिकुलर रिलेटेड। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12th की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या गिवन दे रखा है कि भाई साइड जो दे रखा है वो है 14 रूट थ्री, यानी कि साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि ए की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 14 रूट थ्री, एरिया ऑफ इन सर्कल यानी कि इन सर्कल कौन सा, अगर ये ट्रायंगल है तो इसके अंदर जो ये सर्कल फॉर्म हो रहा है इस सर्कल का एरिया पूछा इन्होंने। अब भाई सर्कल का एरिया बताना है तो आपने रेडियस बताना पड़ेगा। अब इस अंदर वाले सर्कल का रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, अंदर वाले सर्कल का रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, ए बाई टू रूट थ्री, ए की वैल्यू है 14 रूट थ्री और डिवाइड बाई टू रूट थ्री। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे रेडियस की वैल्यू मिल जाती है 7। अब आपका आप इसे इजीली इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला, पाई की वैल्यू आप बचपन से ही जानते हैं 22/7 और रेडियस 7 है यानी कि 154, ये एरिया ऑफ इन सर्कल आ जाएगा। तो आई होप इतनी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक ये 13th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है और बेहद ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखना जरा 13 पढ़ लें आप इसे जरा। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल यानी कि बाहर वाला सर्कल और एरिया ऑफ इन सर्कल, इन दोनों के बीच में इन्होंने गैप दे रखा है 44। तो ये कह रहा उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, यानी कि उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। अब सर्कल की बात करें तो बाहर वाला जो सर्कल होगा उसका एरिया क्या होगा, तो फॉर्मूला लगता है पाई, और रेडियस की बात करें तो बाहर वाला जो सर्कल होता है उसका रेडियस होता है ए बाई रूट थ्री यानी कि कुछ ऐसा, और इन सर्कल की बात करें ये मैं काफ़ी डिटेल में आपको लिख के बता रहा हूँ सो दैट आपका बेसिक वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ये 44 अगर हम बात करें तो कॉमन आ रहा है पाई, और मैं उसकी वैल्यू भी पुट कर देता हूँ 22/7, और अंदर ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर बाई थ्री माइनस ए स्क्वेयर बाई 12 इक्वल टू 144।
चलिए, अगर हम बात करें इसको एलसीएम लेते हैं इसका हम 22/7, और अंदर वैल्यू अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 12। और आप इसे फाइनली सोल्व करते हैं एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा 3a² सबट्रैक्ट करने के बाद, आप इतना तो कर ही सकते हैं, 2 पे गया ये 4 पे गया। तो आप ए स्क्वायर की अगर बात करें तो ए स्क्वायर आप समझ पा रहे हैं 56, ये आपका ए स्क्वायर। आपने ए फाइंड करने की कोई नीड नहीं है क्योंकि आपने एरिया फाइंड करना है ट्रायंगल का, और एरिया का फॉर्मूला था √3/4 साइड स्क्वायर, जिसमें आपने ए स्क्वायर की ही नीड होती है, तो आप ए स्क्वायर ही रहने दें। यहाँ से आपने ए फाइंड करने की कोई नीड नहीं है, डायरेक्टली आप ए स्क्वायर की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 56, यानी कि ये आपका आंसर आता है 14√3। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था कह सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू जब हमने क्वेश्चन किए पहले उससे कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था। तो आज हमने ये इक्विलेटरल के कुछ बेसिक क्वेश्चन किए, एडवांस और भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, बट फिलहाल हम अभी स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं। कुछ मैं आपको अच्छे क्वेश्चंस की भी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।